हेलो एवरीवन, आई एम नीता एंड वेलकम टू माय चैनल निट्स लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग हॉल एक्सपीरियंस, कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लांट लेने का। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सारे प्लांट्स जो मैंने ऑनलाइन लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। तो मैंने लिया है उर्वान से। अगर आप उर्वान के बारे में नहीं जानते हैं तो उर्वान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स तो लेने को मिलेंगे ही, एंड साथ साथ गार्डनिंग से भी रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो भी ईजिली मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ से प्लांट्स लेना चाहिए आगे कि नहीं लेना चाहिए, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, मैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैंने उर्वान से टोटल 5 प्लांट्स ऑर्डर किए थे और फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई थी टाइम पे, एंड साथ साथ प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे कंडीशंस में आए थे। इवन पॉट वगैरह भी बहुत अच्छे से आया था, कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं था। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको प्राइजेस शेयर कर देती हूँ कि मैंने ये सारे प्लांट्स जो है वो कितने में लिए हैं। उसके बाद मैं शेयर करूँगी कि मुझे यहाँ से लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था। तो चलिए अभी आपके साथ में पहले प्राइजेस शेयर करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट जो है वो है ये मनी प्लांट। ये पॉट के साथ आया था और पॉट की साइज़ जो है वो 6 इंच है और इसकी प्राइस थी 89 रुपीज़। और स्पाइडर प्लांट भी आपका पॉट के साथ आया था और पॉट की साइज़ जो है वो 5 इंच है और इसे मैंने लिया था 89 रुपीज़ में। और अगला प्लांट जो है वो आपका ये फ्लावर प्लांट है और ये मैंने पॉट के साथ ऑर्डर किया था। तो पॉट का साइज़ जो है वो आपका 10 इंच है और इसे मैंने लिया था 260 रुपीज़ में। और अगला प्लांट जो है वो भी फ्लावर प्लांट ही मैंने लिया था और ये आपका सेट ऑफ 2 में आया था और इसकी प्राइस थी 179 रुपीज़। और अगला प्लांट जो है वो मैंने विदाउट पॉट लिया था और इसे मैंने लिया था 179 रुपीज़ में। और ये क्रोटन प्लांट जो है ये मैंने 260 रुपीज़ में लिया था और पॉट का साइज़ जो है वो 8 इंच है। सारे प्लांट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इनमें से ना ये जो 2 प्लांट थे ना वो मुझे सही नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ दिन में ही डेड हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को रिटर्निंग पे डाल देती हूँ। और उनके वेबसाइट पे ना मेंशन भी है कि इजी टू रिटर्न एंड इजी टू रिफंड, तो मैंने सोचा कि चलो रिटर्न पे डाल देती हूँ, इजली रिटर्न हो ही जाएगा। लेकिन जब मैंने रिटर्न पे डाला तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अभी 1 वीक हो चुका है कोई रिटर्निंग नहीं हुई है। फिर मैंने उनसे व्हाट्सएप पे चैट करने की कोशिश की कि चलो क्यों नहीं रिटर्न हो रहा है, तो व्हाट्सएप पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, रिटर्न जो है वो नहीं होगा, आप पहले पिक भेजो। तो मैंने पिक भी भेजा और रिटर्निंग के टाइम पे भी मैंने पिक शेयर किया था। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे भी पिक शेयर किया तो उनका कहना था कि नहीं, प्लांट जो है वो सही है, हमारा सेलर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम रिटर्न नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि आपको सही लग रहा है लेकिन जिसने लिया है, जिसका पैसा लगा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको रिटर्न करना चाहिए। और आपने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि इजी टू रिटर्न है, फिर रिटर्न करने में इतना प्रॉब्लम क्यों? अब तो 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है और उन्होंने मुझे साफ मना भी कर दिया है कि रिटर्न नहीं होगा। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी कि क्यों नहीं रिटर्न कर रहे, लेकिन अब तो रिटर्न हो ही नहीं सकता है। और वो दोनों प्लांट जो थे वो 3-4 दिन के अंदर डेड भी हो गए। मैं काफ़ी केयर की लेकिन फिर भी हुआ नहीं, क्योंकि उस समय देख के लग रहा था कि ये प्लांट का कंडीशन जो है ये अच्छा नहीं है। और जिस तरीके के वेबसाइट पे उन्होंने पिक डाला था वैसा तो था ही नहीं, इसी वजह से भी मैं रिटर्न करना चाहती थी। पर ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बेकार रहा है, तो आगे से चल के तो मैं कभी भी लाइफ में ऑनलाइन प्लांट्स तो नहीं लूँगी, हमेशा नर्सरी से ही लूँगी। और अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी इन सब चीज़ों को लेके, तो मैं फिर संडे को गई नर्सरी। तो चलिए वहाँ की थोड़ी सी झलके आपके साथ में शेयर करते हैं।
दोस्तों सुबह सुबह नर्सरी आने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे तो संडे मॉर्निंग बहुत मन करता है कि मैं सीधा नर्सरी ही जाऊं, और जब जाती हूं तो इतने सारे फ्लावर्स देख के मन करता है कि सभी उठा के ले जाऊं, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है। और इस बार तो मैं बहुत ही कम प्लांट लेने का सोची हूँ, और यहाँ देखिए फ्लावर्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, एंड साथ साथ ये इनडोर प्लांट्स कितने हरे भरे लग रहे हैं ना। तो मैं नर्सरी से बस ये 3 प्लांट्स ही लेके आई थी, और इस टाइम पहली बार मैंने ना इस तरीके का फ्लावर प्लांट एंड साथ साथ ये वाला कुछ नया लिया है, और इसका जो फ्लावर है ना उसे ब्लूम होने का वेट मुझे बहुत रहेगा। तो ये प्लांट मैंने 180 रुपीज़ में लिया है, और पॉट का प्राइस जो है वो मुझे 40 रुपीज़ पड़ा है। और साथ साथ हमने ये एक और प्लांट लिया है, ये ना आराम से धूप में बहुत अच्छे से होगा, और इसका पॉट जो था वो मेरे पास पहले से ही था। एंड साथ साथ हमने ये एक स्पाइडर प्लांट भी लिया है, तो इसमें मैंने ना 2 लगवा दिया था, 1 लगाए तो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने एक और ले लिया था, और इसे मैंने सिर्फ 40 रुपीज़ में लिया है। एक्चुअली प्लांट लेने का रीज़न था ना कि अभी होली के टाइम पे मैं घर चली गई थी, तो मेरा बालकनी का लुक जो वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, बहुत सारे प्लांट जो थे वो डेड हो गए थे। तो अब हम यहाँ पे नए नए प्लांट्स रखते हैं, और रिसेंटली मैंने अपने बालकनी का मेकओवर भी किया था, तो प्लांट के बिना तो बालकनी अच्छा लगेगा ही नहीं, इसी वजह से मैं ढेर सारे प्लांट रखना चाहती थी फिर से। और यहाँ देखिए ये वाला प्लांट रखने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना तो उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में ही जाती हूँ, और बालकनी में जब मैं इस तरीके से प्लांट को हरा भरा देखती हूँ ना तो मन खुश हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हाँ, नेक्स्ट डे ही उठने के बाद ना ये वाला देखिए, ये प्लांट जो है कितने अच्छे से ब्लूम किया, मतलब फ्लावर निकल आया है। अब तो खैर बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आ गए हैं, लेकिन इसे देख के ना बहुत बहुत खुशी होती है मुझे। तो ऑनलाइन एंड नर्सरी जाके दोनों के अगर प्राइजेस को भी कंपेयर किया जाए तो मैं कहूँगी कि नर्सरी में बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में प्लांट मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मिलता है, मतलब कि प्लांट की कंडीशन जो होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, स्पेशली उर्वान, क्योंकि एक तो रिटर्न करने में वो लोग दिक्कत करते हैं, तो वहाँ से लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आपने अगर कभी उर्वान से अगर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं ना उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी चेक की थी, तो कमेंट सेक्शन में पूरा यही प्रॉब्लम भरा हुआ है कि रिटर्न नहीं करते हैं, प्लांट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब तो मैं जान गई हूँ कि हाँ वहाँ से लेना ठीक नहीं है। आप अमेज़ॉन वगैरह से ले सकते हो, मे बी वहाँ से प्लांट लेना सही होता होगा, क्योंकि वहाँ पे इजीली रिटर्न भी हो जाता है। तो मैं तो भाई अब से हमेशा नर्सरी जाके ही प्लांट लिया करूँगी, और जिस नर्सरी से मैं ले रही हूँ, मैं 6 साल से जब से ग्रेटर नोएडा आई हूँ तब से ही मैं वहीं से ले रही हूँ, तो मेरे सारे प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे खासे लंबे समय तक अच्छे से चलते हैं। और हाँ, आप लोगों में से बहुत तो मुझे बोलते हो ना कि छोटे बालकनी का भी आप मेकओवर करो, तो उसका भी मैं कुछ ना प्लानिंग कर रही हूँ मेकओवर करने का। एक्चुअली बहुत छोटा सा स्पेस है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे मैं क्या करूँ। आपके पास अगर कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए कि मैं वहाँ वाले बालकनी को कैसे मेकओवर करूँ जिससे वहाँ का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। कुछ स्टैंड वगैरह मैंने लेने का सोचा है, लेकिन अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि मैं किस तरीके का स्टैंड लूँ जिससे स्पेस जो है वो अच्छा खासा बना रहे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल लगा हो, और पसंद आया होगा तो लाइक करना, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे कि कैसे, मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन इन सब चीज़ों को लेने में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के पिक्चर्स एंड अपडेट वगैरह शेयर करते रहती हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय बाय।